हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन में। दोस्तों, SSSC की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, ये अपडेट आने से बहुत से हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे को मिल रहे हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आते थे कि सर, जब से नई चेयरमैन आई है, जब से हमारे SSSC के चेयरमैन को बदला गया है, जब से SSSC की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कुछ भी चीज़ें अपडेट नहीं कर रहा है, तो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हमारे चेयरमैन के बदले जाने के बाद ये पहली अपडेट है। इससे राहत भरी खबर हमारे लिए, राहत भरी सांस है, और ये हमारे लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि देखिए, चेयरमैन बदलने के बाद अपडेट आने का मतलब है कि अब जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है, और अब धीरे धीरे करके जो भी रिजल्ट पेंडिंग है वो आ जाएंगे, और जो वैकेंसियाँ री एडवर्टाइज होने वाली हैं वो भी आ जाएंगी। सबसे बड़ा टॉपिक EBPG का है। अगर कार्य शुरू हो चुका है और कोर्ट की तरफ से भी निर्देश आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे करके EBPG की हर पोस्ट के लिए बची हुए रिजल्ट आ जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, और बहुत जल्द ग्रुप डी की भी वैकेंसियाँ हैं वो एडवर्टाइज होने वाली हैं, इसी महीने के अंदर हो जाएंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। अब कौन सा रिजल्ट आया HSSC की तरफ से, क्या अपडेट आई हैं, वो मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, HSSC ने डिटेल रिजल्ट दिया है और रिकमेंडेशन लिस्ट दी है फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेसर। ट्रेसर की काफ़ी पहले जो है लिस्ट लग चुकी है, बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, तो उसका डिटेल रिजल्ट दिया है कि किन किन बच्चों ने ज्वाइन किया है, और रिकमेंडेशन लिस्ट भी दी है कि बच्चों के रिटर्न एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू में कितने। तो बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर, इंटरव्यू में मिनिमम क्या मार्क्स लगाते हैं और मैक्सिमम कितने। तो आप डिटेल रिजल्ट वाली लिस्ट डाउनलोड करके यहाँ से कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो क्या रहता है इंटरव्यू के मार्क्स का। और डिटेल रिजल्ट में ये लिस्ट होती है कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनका नाम, रोल नंबर और सारी डिटेल विद डेट ऑफ बर्थ होती है। तो यही अपडेट थी कि HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिटेल रिजल्ट और रिकमेंडेशन लिस्ट जारी कर दी है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेसर। तो दोस्तों, यही अपडेट थी। और दूसरी अपडेट की, अब धीरे धीरे करके सभी EBPG के रिजल्ट आएंगे और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी जल्द ही आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।